ये कैसे हो सकता है? पवन मुझे ऐसा संकेत क्यों दे रही है कि राधा पीड़ा में है? ऐसा नहीं हो सकता। पवन मुझसे कभी असत्य नहीं कह सकते। राधा पीड़ा में तो है, ये मैं अनुभव कर सकता हूं। किंतु इस समय मुझे अपना ध्यान केवल गोपियों पर रखना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी, उनके प्राण संकट में है। कृष्ण को किसी भी मूल्य पर ज्ञात नहीं होना चाहिए मैं यहाँ उसके पीछे हूँ, अन्यथा वो यहाँ आकर मुझे पुनः वृंदावन छोड़ाएगा। गोपियों की रक्षा में विलंब नहीं होना चाहिए, उन्हें हमारी आवश्यकता है। पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। कब से युद्ध चल रहा है, अर्थात कृष्ण नहीं आया है। अन्यथा अब तक सुदर्शन से शीश काट कर अंत कर दिया होता उस पापी का। राधा के विषय में कोई संदेश आया? महाराज, कृष्ण आपसे युद्ध करने के लिए निकल चुका है, पर राधा भी कृष्ण से छुपते छुपाते उसके पीछे आ रही है। दोनों में अधिक अंतर नहीं है। यदि हमारे सैनिकों ने राधा को पकड़ा तो उसकी चीखों से कृष्ण सचेत हो जाएगा और आपसे युद्ध करना छोड़ राधा की ओर निकलेगा। तो उनमें अंतर बढ़ाओ। कैसे? जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो। अर्थात दाव ने दानव को परास्त कर दिया। अब तो कृष्ण के आने की आवश्यकता ही नहीं। कृष्ण तो आ ही रहा है, पर अब राधा को भी आना है, और राधा को यहाँ लाओगे तुम। रुको, हमारी सखियों को छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो हमें। हमारी सखियों को वो दानव कहाँ ले गया? कहीं उनके प्राण तो नहीं ना हर लेगा? क्या हम कृष्ण को पुकार ही ले? कता भी नहीं। इस दानव के भय से हम कृष्ण को विपत्ति में नहीं डाल सकते। कहाँ ले जा रहे हो हमें? ले जाओ इन्हें अलग अलग दिशा में, और चीखे निकालो इनके भीतर से, रक्षा के लिए। कृष्ण और राधा दोनों को सुनाई देनी चाहिए अलग अलग दिशा से ये चीखें, ताकि राधा कृष्ण अलग हो। कृष्ण यहाँ पहुँचे मुझसे युद्ध करने, और राधा मेरी बंदी बन जाए। छोड़ो मैं। नहीं, छोड़ो हमें। राधा को बंदी बनाने के लिए हमारा प्रयोग मत करो। छोड़ो हमें। छोड़ो हमें कृष्ण को पुकारना ही होगा। अब बात केवल हमारी रक्षा की नहीं है, राधा की भी रक्षा की है। तो क्या हम निश्चिंत होकर नर्कगामी होंगे? राधा के प्राणों की रक्षा के लिए यदि अनेक कल्प भी हमें नर्क में बिताना हो तो हम बिताएंगे। कृष्ण रक्षा करो हमारी। ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि गोपियां मुझे पुकार रही हैं? प्रतिशत गोपियां इसी गुफा में, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा कर लड़ो। किसी भी प्रकार इस गुफा में प्रवेश करके यदि गोपियों को बचा लिया तो यह युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा।
इतने शीघ्र नहीं जीतोगे बलराम। ये कृष्ण के साथ चला गया, कहाँ ढूंढूं, देख क्यों नहीं रहा है। ये तो रथ के पहियों के निशान है, कृष्ण उसी ओर गया है। छोड़ दो हमें, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। ये तो गोपी की पुकार है। और से कैसे आ रही है? क्या करूं मैं? कृष्ण इस ओर जा रहे हैं और गोपी रक्षा के लिए यहाँ से पुकार रही है। किस दिशा में जाऊं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राधा यहीं कहीं मेरे पीछे है? क्यों ना मैं रुक कर देख लूं, कदाचित ये सत्य हो। मेरी गोपियां संकट में है, मुझे शीघ्रातिशीघ्र उन्हें ढूंढना ही होगा। बचाओ! मुझे गोपी की रक्षा करनी होगी। कृष्ण भले ही अनुचित दिशा में गया है पर वो लौट आएगा। द्विवेद, आज तुम्हारी भुजाओं में अधिक बल है या मेरी? बचाओ! बचाओ! ये तो गोपियों के क्रदन का स्वर है। ये द्विवेद कहां गया? मेरे जाल में फंस गई। अर्थात ये तुम्हारी योजना थी, गोपियों की चीख का प्रयोग कर मुझे यहाँ तक लाना। क्यों? केवल कृष्ण ही है क्या जो छल कर सकता है? ये तुमने क्या किया राधा, तुम स्वयं यहाँ क्यों आ गई? केवल कृष्ण की बाकी गोपियाँ ही नहीं, कृष्ण की विशेष गोपी राधा भी मेरी बंदी है। मैं तुम्हारी बंदी नहीं हूँ दानव, मैं तुम्हारा काल हूँ। ये गोपियाँ मेरे कारण इस दुविधा में फंसी हैं और इनकी रक्षा भी मैं ही करूँ। तुम तो एक कन्या हो, क्या तुम मुझसे युद्ध लड़ोगी? जो गोपियों का हरण करे, कन्या जाति का मान सम्मान ना करे, उससे तो युद्ध अवश्य लड़ूंगी मैं, अंत करूंगी मैं उसका। सारे पुरुष द्वारका के मुझसे युद्ध में हार गए, बलराम भी मुझसे हार गया, अब एक कन्या मुझे चुनौती दे रही है। जब अहंकार इतना बढ़ जाए
तो एक कन्या को कटार बंद कर उसे जड़ से काटना पड़ता है। स्वयं आदि शक्ति है, इस विविध ने उस देवी राधा को ललकारा है। इसका अंत तो अब निश्चित ही है। तुमने गोपियों का हरण किया है, उन्हें पीड़ा पहुंचाई। तुम्हारे एक एक पापों का फल अब तुम्हें एक कन्या ही देगी। गोपियों को क्षमा करना गोपियों, मेरे कारण तुम इतने बड़े संकट में फंसी हो। आज तक कोई योद्धा द्विविध पर एक वार नहीं कर पाया। राधा ने, एक कन्या ने मुझे चोटिल कर दिया, तो अब राधा का ही अंत करना होगा। शीघ्र ही गुफा में पहुंचना होगा। शीघ्र चलो चलो। नहीं होगा, वही हमें इस संकट से निकाल सकता है। उचित कह रहे हो। कृष्ण, कृष्ण! इतने बड़े पत्थरों के ढेर से आवाज कृष्ण तक नहीं पहुंचेगी। नेत्र बंद करो और हृदय से पुकारो कृष्ण को।